भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला है और आज तो रोहित शर्मा ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। और ये लीजिए कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आ गए हैं। और देखिए नॉट जी पहला ओवर लेके आए हैं साउथ अफ्रीका टीम के लिए, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। आज देखना होगा भारतीय टीम कितना बड़ा टारगेट सेट करेगी इस मुकाबले में। जी हाँ, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं सामने रोहित शर्मा। ओ ये करीबी मुकाबला, लेकिन जी नहीं, चार रन के लिए निकल गई है। ऐसा मुझे लगा जो फील्डर थे उनके काफ़ी करीब से बॉल निकली, लेकिन जी नहीं, यहाँ पे थोड़ी दूर से निकली और चौका मिल जाएगा कप्तान रोहित शर्मा को पहली बॉल पे। तो देखिए थोड़ा रिस्की शॉट जरूर था, लेकिन चार रन दे के गया है। और हम सब जानते हैं अगर जोखिम उठाएंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। भारतीय टीम की अच्छी शुरुआत हो गई है, चार रन बना लिए हैं बिना कोई विकेट गंवाए। और नॉट जी इनको अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, तेज तर्रार गेंदबाज हैं, बेहतरीन गेंदबाज हैं साउथ अफ्रीका टीम के। और रोहित शर्मा की अगर बात की जाए, ये कप्तान बहुत ही शानदार हैं, क्योंकि देखिए बल्लेबाजी भी करते हैं, टीम को भी संभालते हैं। जितनी तारीफ रोहित शर्मा की करी जाए, लेकिन इसी बीच बॉल खेल दी हवा में और ये लीजिए बड़ा शॉट हमें देखने को मिलेगा। चौके के बाद छक्का जड़ते नजर आएंगे कप्तान रोहित शर्मा। जी हाँ, बढ़िया शॉट, छह रन के लिए गई, ऑन साइड पे लगाया शॉट को। साउथ अफ्रीका टीम को थोड़ा संभल कर गेंदबाजी करनी पड़ेगी कप्तान रोहित शर्मा के सामने, क्योंकि एक ये ऐसा बल्लेबाज अगर एक बार चल गया तो फिर रुकता नहीं है। और आप देखिए क्या बढ़िया शॉट है, ये बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच आई और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं रोहित शर्मा। जी हाँ, यहाँ पे 10 रन हो गए हैं भारतीय टीम के और अभी तक सिर्फ दो बॉल हुई हैं। और रोहित शर्मा की अच्छी शुरुआत हो गई है, तीसरी बॉल एक बार फिर से गेंदबाज करने के लिए तैयार हैं। और कप्तान एडन मार्करम, इनको थोड़ी सी बातचीत लगातार करनी पड़ेगी गेंदबाजों से। एक और शॉट बैकफुट पे गए, ओ ये शॉट कमाल का, दो फील्डर के बीच में से शॉट खेला है और चौका बटोरते नजर आएंगे कप्तान रोहित शर्मा। बढ़िया बल्लेबाजी मैं समझता हूँ। और देखिए शॉट काफ़ी शानदार था, दो फील्डर के बीच में से निकाला। और देखिए एडन मार्करम, मैंने जैसा कहा इनको लगातार बातचीत करनी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी और यहाँ पे कुछ बातचीत जरूर हुई है गेंदबाज के साथ। लेकिन आप शॉट पे नज़र डालें, ये देखिए बैकफुट पे पूरी तरीके से चले गए थे, क्रीज की गहराई का पूरा उपयोग किया इन्होंने। और देखिए दो फील्डर के बिल्कुल बीच में से बॉल गई, वहाँ कोई मौका नहीं था। अगर डीप थर्ड मैन पे कोई फील्डर होता तो शायद बॉल को रोका जा सकता था, लेकिन यहाँ कोई मौका ही नहीं था। और देखिए 14 रन भारतीय टीम का स्कोर अब हो गया है, जीरो विकेट के नुकसान पे। नॉट जी कप्तान के साथ मिलकर कोई रणनीति तो बनाई गई होगी, और क्या इसका इम्प्लीमेंट होगा, क्या रोहित शर्मा को रोक पाएंगे, क्या भारतीय टीम यहां से लड़खड़ाएगी। देखिए कुछ भी हो सकता है। एक बार फिर से तैयार हैं गेंदबाज सामने रोहित शर्मा, फुल शॉट, कमाल की टाइमिंग और ये लीजिए एक और छक्का कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से। जी हाँ, हम सब जानते हैं कप्तान रोहित शर्मा को कि अगर इनका बल्ला एक बार चला तो फिर इनको रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और साउथ अफ्रीका टीम के लिए अब चुनौतियाँ बढ़ने लगी हैं, क्योंकि रोहित शर्मा एक तरफा खेल रहे हैं इस मुकाबले में। जी हाँ, और आप सभी से मैं अनुरोध करूँगा, आप भारतीय टीम के लिए, भारत देश के लिए एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जहन लिखिए, आपका नाम लिखिए, आपके शहर का नाम। और मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो YouTube पे ये मुकाबला देख पाते हैं तो सही से आप देख पाते हैं। और आप सभी का दिल से आभार है जो वीडियो के नीचे सफ़ेद कलर में सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए। ये सीरीज का दूसरा मुकाबला है, पहला मुकाबला भारत ने जीता, ये दूसरा मुकाबला है और मुझे ऐसा लग रहा है ये मुकाबला भारत अभी भी जीत सकती है, क्योंकि ये शुरुआत देखिए। ओ ये लीजिए एक और बड़ा शॉट और तूफान ला दिया है ग्राउंड में कप्तान रोहित शर्मा ने, जड़ दिया है एक और बड़ा शॉट। नॉट जी बहुत ज़्यादा महंगे साबित हो रहे हैं। जी हाँ, निश्चित ही बहुत ज़्यादा महंगे साबित नॉट जी हो रहे हैं।
और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है साउथ अफ्रीका टीम को, तो संभल कर गेंदबाजी तो करनी पड़ेगी। भारत का स्कोर 26 रन 0 विकेट के नुकसान पे, पहला ओवर लगातार प्रगति पे, और रोहित शर्मा बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी, ऐसा कप्तान जो जिम्मेदारियां अपने कंधों में लेके लगातार भारतीय टीम को कैरी फॉरवर्ड करता हो, और ऐसे कप्तान हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। और देखना है रोहित शर्मा की उड़ान को, तो ऊंचा कर दीजिए आसमान को, बड़े मुकाबले का बड़ा खिलाड़ी आज ज़रूरत थी, और ज़रूरत पे क्या खूब खेले हैं, 26 बनाए हैं। ये देखिए एक बार फिर से आप नज़र डालें, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ पे कमाल का शॉट, देखिए लंबाई भी थी और ऊंचाई भी थी शॉट में, और ये दर्शाता है रोहित शर्मा की काबिलियत को, क्षमता को। और अब अंतिम बॉल, जी हाँ पहले ओवर की अंतिम बॉल करी जाएगी, जो दो फील्डर स्लिप पे लगाए हैं, लेकिन ये फुल टॉस डिलीवरी, एक और बड़ा शॉट, और ये बॉल भी जाएगी दर्शकों के बीच में। तो पहला ओवर भारतीय टीम के लिहाज से काफ़ी शानदार रहा है, और अब स्ट्राइक पे शुमन गिल पहुंच गए हैं, और कगिसो रबाडा ये आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। जी हाँ, और आज देखना पड़ेगा भारतीय टीम क्या 130 बना पाएगी या नहीं। और देखिए कगिसो रबाडा राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, कमाल के गेंदबाज हैं और अच्छे विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, लेकिन सामने भारतीय युवा बल्लेबाज शुमन गिल, देखना होगा शुमन गिल क्या ये चल पाएंगे। ओ ये लीजिए पहली बॉल पे बड़ा शॉट, और देखिए मुझे ऐसी उम्मीद थी कि इस ओवर में भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा करी जाएगी, और वो हमें देखने को मिल रहा है। देखिए कितना खूबसूरत शॉट लगाया वहाँ पे, और छक्का बटोरा, जी हाँ यहाँ से लग तो रहा है भारतीय टीम जीत हासिल निश्चित ही कर पाएगी, और भारत का स्कोर 38 रन 0 विकेट के नुकसान पे, लगातार बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ने का पूरे तरीके से प्रयास भारतीय टीम का। कगिसो रबाडा इनसे बड़ी उम्मीदें, लेकिन क्या उम्मीदों पे खड़ा उतर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और ये 7 मैचों की श्रृंखला है जिसमें ये दूसरा ही मुकाबला है, पहला मुकाबला भारत ने जीता, साउथ अफ्रीका टीम ने बड़ा लक्ष्य बनाया था 132 का, भारत ने चेस किया था। और अब देखिए दूसरे ओवर की दूसरी बॉल, एक बार फिर से स्लिप लगा के रख ली है, ओ कलाइयों के सहारे भरपूर अंदाज में खेला गया ये शॉट, और यहाँ पे चौका मिलेगा, लेकिन काफ़ी देर तक ऐसा लगा कि ये बॉल छक्के के लिए भी जा सकती है। टाइमिंग देखिए कितनी लाजवाब थी वहाँ पे शुमन गिल के द्वारा, क्या बात है टाइमिंग पे अगर आप नज़र डालें, ये देखिए ऐसी बॉल बल्ले पे लगी, काफ़ी देर तक हवा में थी और वहाँ कोई फील्डर नहीं था, हालांकि डीप स्क्वायर लेग पे एक फील्डर था, उन्होंने प्रयास जरूर किया बॉल तक पहुंचने का, लेकिन पहुंच नहीं पाए क्योंकि टाइमिंग इतनी शानदार थी शुमन गिल की। और एक और चौका, और भारत का स्कोर 42 रन 0 विकेट के नुकसान पे, और आप देखिए भारतीय टीम 50 रन के काफ़ी करीब पहुंच गई है। और दोस्तों ये बड़ा मुकाबला है, और जो यूट्यूब पे लगातार इस बड़े मुकाबले को देख रहे हैं, मैं सभी का दिल से आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। एक बार भारत देश के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए, आपका नाम लिखिए, आपके शहर का नाम, आपके गांव का नाम, आप कहां से देख रहे हैं। देखिए आप लोगों का जो प्यार है लगातार इजी टू फन गेमिंग की फैमिली में बना हुआ है, मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तीसरी बॉल पटकी हुई लेंथ स्टंप के बाहर, क्या ये बाइट होगी, ओ एम्पायर ने बाइट दी, लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल है जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्या ये बॉल बाइट थी, मुझे ऐसा लगा। देखिए क्रीज के तो थोड़ी अंदर से थी, माफ़ करिएगा जो सामने वाइड लाइन है उनसे तो थोड़ी अंदर थी, लेकिन जो टिप्पा खाई वो बहुत ज़्यादा पिच से बाहर थी, और शायद उछाल मिला बॉल में, वहाँ पे वाइड करार दी गई, और एक और अतिरिक्त रन भारत के खाते में अब जुड़ गया है। जी हाँ दूसरे ओवर की तीसरी बॉल, एक बार फिर से शुमन गिल एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए हैं, बॉल हवा में, और ये लीजिए एक और छक्का, जी हाँ ये लीजिए एक और छक्का, और भारत का स्कोर 126 रन। जी हाँ यहाँ से भारतीय टीम
लगातार बढ़िया स्थिति में पहुंचती जा रही है, बड़े लक्ष्य के तरफ बढ़ रही है। देखिए अब चुनौती धीरे धीरे साउथ अफ्रीका के खेमे में बढ़ रही है, चिंताएं अब बढ़ने लगी हैं क्योंकि एक भी विकेट अभी तक मिला नहीं है और जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है, आप जितनी तारीफ करेंगे भारतीय बल्लेबाजों की उतनी कम है। शानदार तरीके से शॉट्स लगा रहे हैं, चौके छक्के बटोर रहे हैं। 49 रन भारत का स्कोर, 0 विकेट के नुकसान पे, और ये तो दूसरा ओवर चल रहा है। और कगिसो रबाडा, देखिए इस गेंदबाज के पास बहुत एक्सपीरियंस है, विकेट भी चटकाए हैं लेकिन आज थोड़ा फीके नजर आ रहे हैं, इनका प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन आप भारत के जितनी आप तारीफ करेंगे, स्लिप पे देखिए फील्डर है, क्या मौका, ओ इस बार अपनी गति से चौंकाया है सुमन गिल को और डॉट डिलीवरी वहाँ देखने को मिली, और अगर बाहरी किनारा होता तो शायद मौका भी बन सकता था। एक बार आप नज़र डालिए इस बॉल पे, ये देखिए पटकी हुई डिलीवरी पड़ने के बाद बहुत ज़्यादा टर्न यहाँ पे देखने को मिला नहीं, लेकिन गति में परिवर्तन था। नजाकत भरा शॉट लगाना चाह रहे थे, कनेक्शन वहाँ बना नहीं और कोई भी रन मिलेगा नहीं। अभी भी भारत का स्कोर रुका हुआ है 49 रन पे, 50 पे काफ़ी करीब है भारतीय टीम। और आप रोहित को देखिए, 32 बनाए थे उन्होंने पहले ओवर में और सुमन गिल मात्र 16 बना पाए हैं, तो लगभग आप ये कह सकते कि आधे रन। लेकिन अभी दो बॉल और बची हैं, इन दो बॉलों पे दो छक्के अगर आ गए तो फिर अच्छा खासा ओवर माना जाएगा। छक्का तो नहीं, यहाँ पे चौका जरूर आएगा और ये लीजिए एक और चौके के साथ भारत के 50 रन पूरे होते हुए नजर आएंगे। बढ़िया बल्लेबाजी लगातार देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये 7 मैचों की श्रृंखला है। अगर आप चाहते हैं पूरी सीरीज देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भारत का एकमात्र नंबर 1 चैनल है जहाँ पे हर एक मुकाबले दिखाए जाते हैं। इंडिया का स्कोर 53 रन, 0 विकेट के नुकसान पे, और अब अंतिम बॉल करी जाएगी। जी हाँ देखना होगा, इस बार कनेक्शन नहीं बना, नीचे फील्डर लेकिन निकल गई है बॉल, भाग्य का साथ मिला सुमन गिल को और अंतिम बॉल पे भी जाते जाते चौका बटोरा, तो कहीं ना कहीं ये ओवर ठीक ठाक रहा भारत के लिए। और तबरेज शमसी जादूगर गेंदबाजी करने के लिए आ गए हैं। देखिए मैं समझता हूँ ये T20 के स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं, तबरेज शमसी कमाल की गेंदबाजी करते हैं। इनके ओवर में रन बनाना बिल्कुल आसान होता नहीं है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन सवाल यही है क्या रोहित के सामने कर पाएंगे, क्योंकि रोहित जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं वो फॉर्म अद्भुत है। बाहरी किनारा लगा, हवा में बॉल और ये भी निकल गई है। आज रोहित शर्मा जहां चाहे वहां शॉट लगा रहे हैं, हालांकि इस बार लॉन्ग ऑफ पे लगाना चाह रहे थे, बाहरी किनारा लगा और बॉल निकल गई डीप थर्ड मैन पे छक्के के लिए। देखिए किस्मत का साथ अब पूरी तरीके से रोहित शर्मा के साथ नज़र आ रहा है, ये तो बढ़िया बल्लेबाजी है। और भारत का स्कोर 63 रन, 0 विकेट के नुकसान पे, लगातार बढ़िया बल्लेबाजी, अद्भुत प्रदर्शन। और आप देखिए इस बॉल पे अगर आप नज़र डालेंगे तो ये शॉट कहीं ना कहीं सामने की तरफ ही खेलना चाह रहे थे, बाहरी किनारा लगा, हवा में बॉल गई, मौका था, दस्तूर था और उसका पूरा फायदा मिला। और देखिए जब किस्मत आपके साथ हो तो फिर हर चीज़ आपके पक्ष में आ जाती है। जी हाँ दूसरी बॉल, रोहित शर्मा सामने मौजूद हैं, आप कहाँ खेलेंगे, अब सामने ही खेलेंगे। जो पहली बॉल पे प्रयास किया गया था, इस बार दूसरी बॉल पे इनको सफलता मिलेगी। एक और छक्का मिल गया है तबरेज शमसी, जो शानदार गेंदबाज हैं, T20 के स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं, उनके ओवर में भी अब शानदार तरीके से रन आ रहे हैं भारत के खेमे में। जी हाँ नाम लेकर महबूब का आज मोहब्बत का चांद दिया है, इंसान नहीं फरिश्ता है वो जो भारत देश के लिए जिया है। और रोहित शर्मा लगातार भारत देश के लिए बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। 69 रन, 0 विकेट के नुकसान पे, तीसरा ओवर लगातार प्रगति पे है, तबरेज शमसी बढ़िया गेंदबाज हैं। और लेकिन रोहित शर्मा को आप देखिए क्या बढ़िया अंदाज में खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बार रोहित के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
कमेंट में जहीन लिख दीजिए, आपका नाम लिख दीजिए, आपका प्यार लगातार भारत देश के लिए बना रहना चाहिए। जी हाँ, यहाँ से एक और गेंदबाजी करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन एक और छक्का, रोहित शर्मा पूरे करेंगे अपने 50 रन। आज धागे खोल दिए हैं साउथ अफ्रीका टीम के, और ये लीजिए अद्भुत प्रदर्शन रोहित शर्मा का, पूरे मुकाबले में छा गए हैं। जी हाँ, इसमें कोई दोहरा नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अभी तक एक भी विकेट गंवाया नहीं है, और इसका फायदा मिलेगा और उसका फायदा मिल रहा है। रोहित शर्मा आज तूफानी अंदाज में एक बार फिर से खेले हैं और फिर से परचम लहराया है इस ग्राउंड में और प्रलय ला दिया है अपनी बल्लेबाजी से। जी हाँ, तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी, रनों की बौछार यहाँ नजर आ रही है और 75 रन तो बना लिए हैं। और आप सोचिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो और भी ज़्यादा रन बन जाएंगे भारत के। जी हाँ, यहाँ पे 150 रन बनाए जा सकते अगर इसी रन गति से रन बनते रहे, लेकिन मुश्किल है। जी हाँ, लगातार निरंतरता के साथ रन बनाना मुश्किल है, लेकिन जी नहीं, कठिनाइयों और मुश्किलों को आसान करते नजर आएंगे रोहित शर्मा, एक और छक्का। अब तो साउथ अफ्रीका टीम लाचार नजर आ रही है। दोस्तों, लाइक कर दीजिए, थोड़ा प्यार दिखाइए भारत के लिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जहन लिखिए, और जो वीडियो के नीचे सफ़ेद कलर में सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए। जी हाँ, एक और छक्का, रन कैसे बनाए जाते हैं रोहित शर्मा से आप पूछ लीजिए, और 81 रन भारत ने बना लिए हैं, रनों की बरसात। ओ, ये अच्छी बॉल, रन के लिए भागे, रन आउट का मौका, लेकिन गवाया वहाँ पे। जी हाँ, पहुँच गए थे सही समय पे। जी हाँ, काफ़ी समय था वहाँ पे एक रन लेने के लिए, रोहित शर्मा ने कलाइयों के सारे शॉट खेला था। ये देखिए, कहीं ना कहीं चौका बटोरना चाह रहे थे। ओ, ये करीबी मामला था वहाँ पे, और देखिए अच्छी रनिंग, बिटबिंदा विकेट, और पूरी तरीके से यहाँ पे एक रन था, और बढ़िया अंदाज से प्राप्त भी किया, कोई भी जोखिम वहाँ हमें देखने को मिला नहीं। और अब भारत का स्कोर 82 रन 0 विकेट के नुकसान पे, और अब अंतिम बॉल सुमन गिल खेलेंगे, और देखना पड़ेगा सुमन गिल कैसा प्रदर्शन करेंगे अंतिम बॉल पे। ओ, एक और बड़ा शॉट, और ये भी निकल जाएगी छक्के के लिए। और देखिए, ये जो ओवर है ये भी भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी शानदार रहा है, लेकिन रोहित शर्मा एक तरफा बल्लेबाजी करी है, और गेराल्ड कोट जी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, तेज तर्रार युवा गेंदबाज। देखिए, इनके पास क्षमता है, 150 प्लस की गति से गेंदबाजी कर सकते हैं कोट जी, और ये युवा हैं तो देखिए एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा के सामने कैसे गेंदबाजी करेंगे ये बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों, अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमें दिखाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जहन लिखिए, आपका नाम लिखिए, आपके शहर का नाम, और बताइए आप कहां से देख रहे हैं, आपका राज्य कौन सा है। लेकिन इसी बीच चौथे ओवर की शुरुआत कोट जी करेंगे, सामने रोहित शर्मा 57 पर खेल रहे हैं। पहली बॉल, एक और शानदार शॉट, नीचे फील्डर, ओ, लेकिन बॉल निकल जाएगी छक्के के लिए। लगातार रनों पे इजाफा भारतीय टीम के खाते में, क्या आज भारत एक बार फिर से साउथ अफ्रीका टीम को हरा पाएगी ये बड़ा सवाल। और देखिए, गेंदबाज लगातार संघर्ष कर रहे हैं और निराशा लगातार हाथ लग रही है। जी हाँ, ये देखिए बढ़िया शॉट और छक्का मिला बढ़िया अंदाज में, 94 रन भारत का स्कोर 0 विकेट के नुकसान पे। और अब चौथे ओवर की दूसरी बॉल एक बार फिर से करी जाएगी रोहित शर्मा। ओ, एक और बड़ा शॉट, हवा में बॉल, और ये लीजिए एक और छक्का मिलेगा। रोहित शर्मा कुछ अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, शॉट ऑफ लाइन डिलीवरी थी और पूरी तरीके से ऑफसाइड पे गए, क्रीज की गहराई का कर रहे हैं भरपूर उपयोग और लगातार रन बटोर रहे हैं। और देखिए, 100 रन कंप्लीट हो गए हैं भारतीय टीम के, जिसमें रोहित शर्मा का योगदान काफ़ी शानदार रहा है, 69 रन 13 बालों में। ओ, क्या आज फिर से
एक और शतक लगाएंगे। जी हाँ, एक शतक इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लगाई थी और अब साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ भी इनका भल्ला जिस तरीके से चल रहा है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, क्या बात है। ये तो तूफान का दूसरा नाम है रोहित शर्मा। और लगातार भारतीय टीम बड़े लक्ष्य की तरफ भी बढ़ रही है, लेकिन देखिए कुछ भी हो सकता है, एक दो बाल पूरे मुकाबले की कहानी बदल सकती है। ओ फुल टॉस डिलीवरी, ये भी जाएगी तारामंडल में। ये लीजिए एक और छक्का, छा गए हैं रोहित शर्मा लगातार तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी। और कॉट जी की तो ऐसी धुलाई करी है इन्होंने इस ओवर में। कॉट जी का आप चेहरा देखिए, बिल्कुल छोटा सा हो गया है और इसका कारण है रोहित की ये तूफानी बल्लेबाजी, अद्भुत प्रदर्शन। 106 रन कंप्लीट हुए भारत के और रन्स लगातार आ रहे हैं, बढ़िया अंदाज में आ रहे हैं और ये बहुत खूब आ रहे हैं। 106 रन 0 विकेट के नुकसान पे और चौथा ओवर तो चल रहा है। रोहित शर्मा 75 पे कर रहे हैं बल्लेबाजी, 14 बालों का किया है सामना। और जी राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, गति है, लेकिन देखिए लाइन लेंथ अगर अच्छी नहीं रहेगी तो फिर गति भी कोई काम की रहती नहीं है। और रोहित शर्मा बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी, जब मौका मिले जब छा जाए, यही तो खास बात बनाती है रोहित शर्मा को। और अब चौथी बॉल करी जाएगी चौथे ओवर की, स्लिप अभी भी मौजूद। ओ ये लीजिए बहुत बड़ा शॉट है, ये कदमों का किया इस्तेमाल और बॉल को भेजा एक बार फिर से दर्शक दीर्घा में। रोहित शर्मा ने छा गए हैं पूरी तरीके से इस मुकाबले में रोहित शर्मा, अद्भुत बल्लेबाजी का ये परिचय है। और आप देखिए कदमों का इस्तेमाल किया था, पावर जनरेट ज़्यादा होती है जब आप कदमों का इस्तेमाल करते हैं। और थक हार के कप्तान एडन मार्करम को आना पड़ा। देखिए साउथ अफ्रीका वैसे भी वर्ल्ड कप में इनको हराया था भारत ने और एक बार फिर से नई सीरीज है साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ। क्या बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम नजर आ रही है। 4 छक्के कॉट जी के ओवर में रोहित शर्मा ने जड़ दिए हैं और अब देखना होगा कॉट जी कहां पटकेंगे, क्योंकि रोहित तो भैया आज रुकने वाले नहीं है ऐसा तो मुझे प्रतीत हो रहा है। ओ इस बार कनेक्शन नहीं बना, मौका ओ गवाया, मौका था वहां पे लेकिन भाल भाल बचे रोहित शर्मा। इस बार कनेक्शन नहीं बना, थोड़े से निराश जरूर नजर आएंगे, लेकिन देखिए रन्स अभी भी आ रहे हैं भारत के खाते में और लगातार आ रहे हैं, दिलचस्प अंदाज में आ रहे हैं। और ऐसे ही रन आते रहे तो फिर तो दिक्कतें आनी तय है साउथ अफ्रीका टीम के लिए। जी हाँ 116 रन भारत का स्कोर, 0 विकेट के नुकसान पे, चौथा ओवर लगातार प्रगति पे। जी हाँ, और आप देखिए ये बड़ा शॉट था और सीधा वहाँ फील्डर के सिर के ऊपर से बॉल निकली और बाल बाल बची वहाँ पे। और अब अंतिम बॉल करी जाएगी, 116 रन भारत का स्कोर, 0 विकेट के नुकसान पे। और आप सोचिए बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है भारतीय टीम। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं पूरी सीरीज देखना भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच, क्योंकि ये सीरीज का दूसरा मुकाबला है, इसके बाद 5 और मुकाबले आने बाकी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो के नीचे सफ़ेद कलर में सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए। रोहित शर्मा 85 पे कर रहे हैं बल्लेबाजी, 100 रन के करीब। देखिए 100 बना तो सकते हैं लेकिन सवाल यही है क्या स्ट्राइक मिलेगी। ओ इस बार भी बाहरी किनारा लगा लेकिन 4 रन फिर भी बटोरेंगे और 120 रन भारत ने बना दिए हैं। देखिए ऐसा लग रहा है 140 प्लस तो आज स्कोर जाएगा। ये सब महाराज आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। ये देखिए ओ यहाँ पे बढ़िया चौका मिला। अब पांचवा ओवर केशव महाराज करेंगे, भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं लेकिन रोहित शर्मा सामने खड़े। ओ ये शॉट देखिए, कलात्मक शॉट लगाया सुमन गिन ने और खुद भी अब रन बटोरेंगे। अब तो
रोहित शर्मा को देख के सुमन गिल भी छा रहे हैं पूरे ग्राउंड में। क्या बढ़िया शॉट है, चार रन बटोरेंगे। रन तो अब आ रहे हैं भारत के खाते में, बढ़िया शॉट था ये, चार रन बटोरे और 124 अब पहुंच गया है भारत का स्कोर। रन्स देखिए लगातार बढ़िया अंदाज में आ रहे हैं भारत के खाते में। केशव महाराज इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, क्या ये उम्मीदों पे खड़ा उतर पाएंगे। गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी और शॉट पे आप नज़र डालिए, ये देखिए स्विच हिट लगाया, चौका बटोरा। हो सुमन गिल इनके तरकस में कितने तीर हैं आज हमें देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के शॉट लगा रहे हैं और शॉट फाइन लेग पे एक फील्डर लगा के रखा है। ओ इस बार बल्ला नहीं चला, आउट गई है बॉल। ओ एक बार फिर से सुमन गिल 34 बना के पवेलियन जाते नजर आएंगे। केशव महाराज पहली सफलता दिलाई साउथ अफ्रीका टीम को, कमाल कर दिया है, छा गए हैं। जी हाँ छा गए हैं, क्योंकि आप सोचिए कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं चटका पाया था, इन्होंने वो करके दिखाया। सुमन गिल बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, बॉल बल्ले पे आई नहीं, लेकिन बढ़िया पारी खेली, 34 बनाए भारत को, एक बढ़िया लक्ष्य तक पहुंचाया। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं भारत की आन बान शान, विराट कोहली, किंग कोहली, चेजिंग मास्टर। और अब देखिए स्ट्राइक पे पहुंच गए हैं रोहित शर्मा, और आज भी मौका है, दस्तूर है, क्योंकि 100 रन बनाए जा सकते हैं इनके द्वारा। मात्र 11 रन दूर हैं, लेकिन शॉट पे अगर आप नज़र डालें, ये देखिए बॉल बल्ले पे सही से आई नहीं थी और हवा में उठ गई थी बॉल, वहाँ बढ़िया कैच पकड़ा गया और विकेट पहला तो गिरा है भारत का। लेकिन अब रोहित शर्मा क्या ये चलेंगे, जी हाँ ये चलेंगे, ये खिलाड़ी सदाबहार है, कभी भी यहाँ पे बड़े शॉट लगा सकते हैं और ये लगा रहे हैं। क्या बढ़िया अंदाज में शॉट लगाया, छक्का बटोरा, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी एक बार फिर से रोहित शर्मा, बढ़िया पारी खेल रहे हैं, रन बटोर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए भारत देश के लिए, भारतीय टीम के लिए। क्या शानदार शॉट लगाया, छक्का बटोरा, 130 रन एक विकेट के नुकसान पे, पांचवा ओवर लगातार चल रहा है। और रोहित शर्मा को देखिए 95 पे पहुंच गए हैं, अगर एक छक्का इन्होंने लगाया तो सीधा 100 हो जाएंगे। दोस्तों एक बार भारत देश के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जहन लिख लीजिए, आपका नाम लिखिए, आपके शहर का नाम, और जो यूट्यूब पे लगातार इस मुकाबले को देख रहा है मैं सभी के दिल से स्वागत करता हूँ। जी हाँ, और एक बार जो सब्सक्राइब का बटन है वीडियो के नीचे उसको दबा दीजिए। 130 तो भारत ने बना लिए हैं और ये बड़ा लक्ष्य है, 130 रन कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। और अब चौथी बॉल एक बार फिर से हवा में, इस बार क्या कनेक्शन बढ़िया है, ओ ये लीजिए एक बार फिर से तहास रचते नजर आएंगे रोहित शर्मा, एक ही दिन में 2 शतक लगा के इन्होंने दिखा दिया है, ये भारत की आन बान शान है। रोहित शर्मा दिग्गज बल्लेबाज, भारतीय टीम का बड़ा खिलाड़ी, और अक्सर चलते हैं, आज क्या खूब चले हैं, 100 रन बनाए हैं और अभी भी नॉट आउट हैं। और भारत देखिए 136 रन, साउथ अफ्रीका टीम ने बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा लक्ष्य बना लेंगे, लेकिन बनाने में सफल हुए हैं। पांचवा ओवर लगातार चल रहा है, 2 बॉल बची हुई हैं, लेकिन रन्स देखिए लगातार आ रहे हैं। रोहित शर्मा कितनी तारीफ करेंगे इस बल्लेबाज की। ओ हाफ वॉली लिया इस बॉल को, बढ़िया कनेक्शन 6 रन के लिए। और अब पांचवी बॉल करी जाएगी पांचवे ओवर की। केशव महाराज एक विकेट चटकाया जरूर, लेकिन रोहित शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैंने कुछ बॉल खेली तो फिर मुझे कोई आउट कर नहीं सकता, फिर तो मैं स्वयं खुद ही आउट हो सकता हूँ। और ये देखिए आज इन्होंने साबित नहीं, पूरी तरीके से प्रमाण दिया है कि वो विश्व के बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, T20 के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और आज जिस तरीके से ये खेले हैं, जिस तरीके से इन्होंने रन बनाए हैं, कप्तान देखिए आए तो हैं लेकिन बहुत देरी कर दी, और 142 रन बन गए हैं और अभी भी एक बॉल बची है। आप सोचिए आज रोहित शर्मा कितना अलग अंदाज में खेले हैं,
क्योंकि आप सोचिए बहुत बड़ा लक्ष्य ये, आज मानो रिकॉर्ड खड़ा कर दिया साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ। भारतीय टीम ने, भारतीय कप्तान ने रोहित शर्मा ने 142 रन एक विकेट के नुकसान पे। दोस्तों ये अंतिम बॉल है, लेकिन मैं अंतिम बार आपसे अनुरोध करूंगा, एक बार भारत देश के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट में जहन लिखें, आपका नाम लिखें, आपका प्यार हमें दिखाएं। जो वीडियो के नीचे सफ़ेद कलर में सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाएं। और देखिए अगर आप चाहते हैं पूरी सीरीज देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब ये अंतिम बॉल केशव महाराज करेंगे, सामने रोहित हैं, रोहित क्या करेंगे, स्लॉग स्वीप जड़ेंगे और चौका बटोरेंगे 146 रन। और अब साउथ अफ्रीका को चाहिए 147, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। रोहित शर्मा जैसे ही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ भारतीय टीम की बल्लेबाजी दिखा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं साउथ अफ्रीका टीम की भी बल्लेबाजी देखना कि कौन जीता इस मुकाबले में, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आप तक पहुँच जाएगी। जी हाँ, आपको हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से।